अब मुझे चाय पीना बहुत पसंद है और मेरी जो सासू माँ है ना वो बहुत अच्छी चाय बनाती है। और सासू माँ से एक बढ़िया सा किस्सा याद आ गया मेरे को कि जब मेरी शादी हुई थी और पहली बार जब मैं चाय पर गया था तो मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि चाय कभी भी खाली नहीं पीनी चाहिए, उसके साथ कुछ बिस्किट जरूर खाना चाहिए या कुछ खास जरूर लेना चाहिए। अब मेरी सासू माँ के बोलने के बावजूद भी मैंने वो बिस्किट नहीं खाए। अब वो मैंने बिस्किट क्यों नहीं खाए ये आप वीडियो ध्यान से देखना, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 3/4 कप तक देसी घी चाहिए, लेकिन पिघला हुआ देसी घी मत लेना यहाँ पर। मैंने घी को लगभग 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था और जमे हुए घी का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर 1 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना। और अब आपने क्रीमिंग का प्रोसेस करना है इस नान खटाई को बनाने के लिए। दोस्तों क्रीमिंग करना बिस्किट बनाने के लिए, नान खटाई बनाने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ हवा आती है बल्कि इससे ये भी होता है कि चीनी का एक एक दाना और घी, ये दोनों जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है रेसिपी के, ये नान खटाई के एक एक कोने तक फैलते हैं। आपने तब तक फेंटना है जब तक कि ऐसे स्टिफ पीक्स यानी कि जैसे छोटे छोटे पहाड़ की चोटियां होती है ना, बिल्कुल वैसे आपको दिखने ना दे। जितना अच्छे से आप फेंटोगे उतनी अच्छी नान खटाई बनेगी, इसलिए ही मैंने यहाँ पर जमे हुए घी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर आप मैदा डालना 1 कप और ध्यान रहे मैदे को छान कर डालना। छानने से एक एक दाना अच्छे से सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर पाएगा जिससे कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ बेसन भी आप छान कर डालना 1/2 कप और 3 चम्मच मैंने यहाँ पर फाइन वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी एक करारापन देगी नान खटाई को, तो ये जरूर डालना। तब देखो इंग्रेडिएंट्स एकदम सिंपल है, 1 कप मैदा तो उसका 1/2 बेसन और उसकी 1/2 ही सूजी 3 टेबलस्पून। अब इस नान खटाई में गुडनेस डालने के लिए मैंने यहाँ पर कैलिफोर्निया पिस्ता का इस्तेमाल किया है। क्या आप जानते हो कि पिस्ता इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और इसमें सैचुरेटेड फैट्स भी ज्यादा नहीं होते, स्पेशली अगर आप कैलिफोर्निया पिस्ता का इस्तेमाल करो। आप यहाँ पर पिस्ता को एक बारी रोस्ट जरूर कर लेना एकदम लो फ्लेम पर, जब तक इनमें हल्का सा रंग नहीं आ जाता तब तक आपने भुनना है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इनमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बस अब रोस्ट करने के बाद जैसे ही ये थोड़े ठंडे हो जाए आप बस इनको रफली चॉप कर लेना। इन कटे हुए पिस्ता को अब आप यहाँ पर बैटर में डाल देना। और इस रेसिपी में मेन फ्लेवर ही पिस्ता का है और इलायची का है। बेकिंग सोडा जरूर डालना, नहीं तो आपकी नान खटाई में वो रंग भी नहीं आएगा। साथ में 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक, एक पिंच। अब धीरे धीरे करके आप पहले मिलाना और फिर हाथ से आप इस आटे को जोड़ने की कोशिश करना। पहले पहले जुड़ेगा नहीं लेकिन धीरे धीरे करके जरूर जुड़ेगा। और हाँ, अगर बिल्कुल भी ना जुड़ रहा हो ना दोस्तों, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी और डाल देना। धीरे धीरे करके आटा आराम से जुड़ने लगता है। आपने तब तक आटे को मिलाना है जब तक वो ऐसे स्मूद नहीं हो जाता। और बस नान खटाई का आटा बिल्कुल तैयार है। आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना मिनिमम 15 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि जो घी है वो थोड़ा सा सख्त हो जाए और हमारी नान खटाई एकदम परफेक्ट बने। जब तक ये आटा रेस्ट करेगा ना आपके फ्रिज में, तब तक आप प्री हीट कर लेना अपने अवन को। तो मैं आपको अवन में तो जरूर बताऊंगा ये कैसे बनेगी ये नान खटाई, लेकिन उससे पहले आप एक देसी अवन को गर्म कर लेना। दोस्तों मैंने इडली स्टीमर का इस्तेमाल किया है ये नान खटाई बनाने के लिए। आप बस इसमें नमक डालना, ये वही नमक है जिससे मैं बेकिंग करता हूँ, इसलिए इसका रंग थोड़ा सा बदल गया है। और अब नमक डालकर ढक्कन लगाकर इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ देना लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निक की। अगर आप गैस पर नान खटाई या ये बिस्किट बनाना चाहते हो तो मेरा ये सजेशन जरूर लेना कि आप उनका साइज जो है वो छोटा रखना। आप ध्यान से देखो, ये आप मेरी तरह एक टेबल स्पून का इस्तेमाल करना और उससे ही शेप दे देना। आप यहाँ पर इनको एक बॉल शेप की तरह मत करना, इसी शेप में ही आप बिस्किट को बनाना और आप देखना कि इडली स्टीमर में भी आपकी खटाई बहुत बढ़िया बनेगी। यहाँ पे आपको बटर पेपर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इडली के सांचों से ये आराम से निकल भी जाएंगे। बस सजाने के लिए ऊपर से आप पिस्ता जरूर लगा देना। अब यहाँ स्टीमर में पकाने से पहले आप गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देना और फिर इनको गरम गरम इडली स्टीमर में स्टीम होने के लिए छोड़ देना। अब इडली स्टीमर में क्या होता है कि उसमें अलग अलग हाइट होती है और ये अलग अलग हाइट पे डिफरेंट टाइम पर कुकिंग होती है, और मैंने कई बार इडली स्टीमर में बनाकर देखा। तो सबसे नीचे वाले में जो बिस्किट है जब मैंने पकाकर देखा तो वो जल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो अंदर से पक नहीं पाते, बाहर से जल जाते हैं। तो अगर आप गैस पर बना रहे हो तो हर 10 मिनट बाद आप इनको चेक जरूर कर लेना। और मेरा सजेशन ये है कि सबसे नीचे बिस्किट को मत रखना।
अगर आप अवन में बनाना चाहते हो तो वो भी बहुत सिंपल है। उसमें भी आप अवन को प्री हीट कर लेना 180 डिग्रीज तक, बेक वाले मोड पे आप रखना, बेक वाले मोड पे ही सही बनेंगे। लगभग 20 मिनट तक पहले आप अवन को प्री हीट होने देना। अपनी ट्रे में मैंने बस थोड़ा सा तेल लगाया है और इसके ऊपर एक पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लगा लिया है। लेकिन अवन में दोस्तों आप ये ध्यान देना कि आप बड़ी बड़ी नान खटाई भी बना सकते हो। इस बार मैंने एक टेबल स्पून का इस्तेमाल नहीं किया है, इस बार मैंने करछी ली है और उससे मैंने डो को निकाल कर एक बॉल बना लिया है। पहले मैंने सारी डो की बॉल्स निकाल कर रख ली है और अब इनको मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर रखा है। आप देखो इनकी शेप बिल्कुल अलग है जो हमने गैस में बनाया था। अब शेप में फर्क का रीजन सिर्फ ये है क्योंकि अवन में बहुत ही इवन कुकिंग होती है, टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गैस पर ऐसा नहीं है। गैस पर बहुत अनइवन कुकिंग होती है और इसलिए शेप में मैंने फर्क रखा है। और बस अवन में अगर आप बना रहे हो और आपका साइज मेरी तरह है 2-3 टेबलस्पून के बराबर, तो आपको लगभग 20 मिनट लग जाएंगे। अगर छोटा साइज है तो 12 मिनट में भी हो जाए। हाँ, पर ध्यान देना कि जैसे ही नान खटाई अच्छे से पक जाए उसमें ऐसे क्रैक से आ जाए, ये देखो आप, तो बस आप निकाल कर इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। अब यहीं पर सारी बात आती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाता अपने घर में। मैं अपने घर में इसका एक हेल्दी वर्जन बनाता हूँ। सुबह सुबह की भूख में बच्चों को मैदा थोड़ी खिलाऊंगा। तो घर पे मैं देसी घी का ही इस्तेमाल करता हूँ पहले की तरह, लेकिन चीनी नहीं, बूरा या खांड का इस्तेमाल करता हूँ उसको मिक्सी में पीस कर। मैदे की जगह मैं आटे का इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल क्वांटिटी वही है सारी। हाँ, बट आटे को भी छान कर डालना। बाकी आप बेसन, फाइन वाली सूजी, पिस्ता, इलायची, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही डालना जैसे हमने मैदे वाले में डाले थे। और इसका भी डो बनाकर इसको फ्रिज में रख देना 15 मिनट के लिए। और इसको पकाना भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हमने मैदे वाले पकाए हैं। ये देखो ठंडे हो रहे हैं, कलर से ही आपको पता लग रहा होगा कि दोनों में कुछ तो फर्क है। फर्क है दोस्तों, अब ये देखो मैं तोड़ के दिखाता हूँ। अंदर से तो बहुत अच्छे से पके हैं, लेकिन आटे वाली जो नान खटाई है वो थोड़ी सी डेंस होती है। वो इसलिए है क्योंकि आटा मोटा पिसा हुआ होता है, उसमें ब्रान होता है, हस्क होता है, और इसलिए डेंस होता है थोड़ा। और तो और आटा में ब्लीचिंग नहीं होती जिसकी वजह से उसको पानी या मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। और वही अगर मैं मैदे वाली नान खटाई की बात करूं तो आप ये देखो बिल्कुल बाजार जैसी है ना दोस्तों। हवा भी बिल्कुल वैसी भरी है क्योंकि मैदा जो होता है वो आटे से काफी रिफाइंड होता है, इसलिए थोड़ा बेटर रिजल्ट आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवन वाले अच्छे हैं, अगर मैं आपको इडली स्टीमर वाले दिखाऊं तो ये देखो दोस्तों। हाँ, लेकिन इडली स्टीमर से निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान से सुनना ताकि पकाते वक्त आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो। जो सेकंड वाली जो इडली स्टीमर की शीट है उसको मैंने 12वें मिनट पे निकाल लिया था। मैंने जज ऐसे किया था कि मैंने 10 मिनट बाद चेक किया था, उसमें हल्का सा रंग आने लग गया था। तो जैसे ही 2 मिनट मैंने और पकाया और 12वें मिनट पे मैंने निकाल लिया। आप देखो नीचे कितने अच्छे से पकी हुई है और ऊपर से ऐसा ही इसमें रंग आएगा। जो स्टीमर की जो ऊपर वाली प्लेट थी उसको मैंने 20वें मिनट पे निकाला है। हाँ, लेकिन मैंने बीच में चेक जरूर कर लिया था कि कहीं ज्यादा ना पक जाए। तो इडली स्टीमर में एक चीज है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके स्टीमर में कितनी देर में कुकिंग होती है। मिनिमम 10 मिनट में तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर देना। और रही बात कि मैंने अपने सासू माँ के घर बिस्किट क्यों नहीं खाए थे, तो उसका रीजन सिर्फ ये था क्योंकि बाजार के बिस्किट में रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर और पाम ऑयल जैसी चीजें हैं, जबकि हमारे घर के बिस्किट में आटा, देसी खांड और देसी घी है। और सोने पे सुहागा ये है कि इसमें हमने बढ़िया पिस्ता का इस्तेमाल किया है, कैलिफोर्निया पिस्ता का। और अगर आप भी मेरी तरह कैलिफोर्निया पिस्ताशियो उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये अवेलेबल है सारे मेजर ड्राई फ्रूट शॉप्स पे और सारी बड़ी वेबसाइट पर। बस आपको कैलिफोर्निया पिस्ताशियो सर्च करना है और आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे।